हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग कुछ अलग है। आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग जो मैंने करी है सर्दियों की। तो मैंने खरीदे हैं कुछ सूट अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और मैं बताऊंगी कि मैंने कितने का लिया है और कहाँ से लिया है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मेरा ये वाला सूट जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे ऑल ओवर सारे पसंद है। तो ये है एक मस्टर्ड कलर का सूट, जिसमें मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी लेंथ, ये देखिए, ये एक मस्टर्ड कलर का सूट है। और इसका कपड़ा इतना, आपको सामने से दिखाती हूँ, इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, ये देखिए, देखिए इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है। सबसे पहले मेरा ये वाला सूट है जिसमें पूरी नीचे तक कढ़ाई है, और ये पूरा मेरे फुल लेंथ सूट है ये। और इसके साथ मेरे को मिला है ये स्टॉल, ये पूरा एक शॉल मिला है मेरे को। ये शॉल मिला है और ये पूरी लेंथ है सूट की। इसी में आपको पोछों में डिजाइन, जो नीचे प्लाजो बनाते हैं ना, उसके नीचे आपको ये डिजाइन मिलता है। और इसके इसमें ये है बाजू का डिजाइन है, और इसके जो आगे कढ़ाई है ना, उसी के पीछे भी ये है, सेम आगे पीछे सेम कढ़ाई आपको मिलती है। तो ये जो सूट है ये मुझे पड़ा था 1700 का। 1700 का सूट। इन जो सूट की लेंथ है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो टॉप का सूट है वो 3.5 मीटर है और बॉटम 3.5 मीटर है, और स्टॉल आपको 2 मीटर मिलता है। ये वाला एकदम चॉकलेट ब्राउन है, ये देखिए, ये फुल कढ़ाई है इसमें। ये आगे से इस तरह से है, ये इसका गला है, गला इसमें बना हुआ है, ये गला है इसका। और इसकी जो इतना हैवी है ना, ये देखो, ये आप देख रहे होंगे, और इसके आगे पीछे पूरी कढ़ाई है। और इसके साथ मुझे इसमें नीचे पैरों में जो आप प्लाजो बनाएंगे या कुछ भी सलवार बनाएंगे ना, उसके नीचे भी आपको ना इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है, इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है। और इसके साथ नहीं, इसके साथ ये है प्लेन है, सॉरी, इसके साथ आपको प्लेन पैंट मिलती है। आप इसका कुछ भी बना लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, प्लाजो या आप सलवार बना लीजिए। और इसी में आपको ना स्टॉल भी मिलता है, इसके अंदर ही अटैच है वो स्टॉल, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे ना, ये वाला स्टॉल है, ये आपको स्टॉल मिलता है, दिख रहा होगा। ये मैं पूरा खोल नहीं पाऊंगी क्योंकि फिर इसे पैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरा आपको स्टॉल मिलता है 1700 के लिए। ये 1700 का, ये 1700, दो मस्टर्ड लिए हैं, ये मस्टर्ड है, और इसके पीछे ही स्टॉल है। स्टॉल इसका प्लेन है और बॉर्डर है इसमें। और इसमें भी ये देखिए, इसमें भी ना सलवार में ना डिजाइन है, इसमें सलवार में डिजाइन है। और लेंथ सबकी सेम है। सूट आया था 1500 का, ये सूट है 1500 का, लाइट वेटेड में है, बट ये भी बहुत सुंदर है। इसके आगे पीछे देखो भाई, पूरी कढ़ाई है, ये देखो, इसके आगे पीछे पूरी कढ़ाई है, और ये इतना सुंदर लग रहा है ना। इसमें एक स्टोल पर्पल कलर का है, ये देखो कितना अच्छा स्टोल है ना, पर्पल कलर का स्टॉल मिलता है, और पर्पल कलर की इसकी प्लेन सलवार है, और ये ऊपर का जो है आगे पीछे प्रिंटेड है। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये मुझे पड़ा था 1000 रुपए का, ये मैंने लिया था 1000 रुपए का। एक मेरा ये वाला भी सूट है, ये मैं स्टिच करवा चुकी हूँ,
ये देखिए, ये मैंने स्टिच करवा लिया है, है प्लेन सलवार है और इसके साथ ये वाला स्टोल है। ये स्टोल भी बहुत प्यारा है, मतलब जब वेयर करोगे ना ये वाला स्टोल मिलता है। और स्टोल की लेंथ भी बहुत अच्छी है, मतलब सूट के ऊपर नहीं, साड़ी के ऊपर भी आप इस तरह से आप साइड में आप ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मुझे पड़ा था 1000 रुपए का। ये है लास्ट सूट, इसके बाजू में भी डिजाइन है, इसके स्टॉल में भी डिजाइन है इस तरह से, और इसकी सलवार में भी मेरे को इसी तरह से, मेरे को जो इसके बाजू में डिजाइन है ना वही मेरे सलवार में भी डिजाइन मुझे नीचे मिलता है। और ये फुल लेंथ का सूट है, फुल लेंथ सूट है ये। और स्टॉल को आप चाहे ऐसे करके ले लो, साइड में ले लो या साइड में ले लो, तो और फुल लेंथ की आपको बाजू आपको पूरे मिलेंगे एकदम, कोई ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे एल्बो तक आ रहा हो या यहाँ शॉर्ट आ रहा हो, बाजू पूरे फुल लेंथ है। स्टॉल की फुल लेंथ है 2 मीटर, ऊपर का 3.5, नीचे प्लाजो सलवार आप जो बनाना चाहो 3.5 मीटर। और कपड़ा भी इतना अच्छा, एकदम सॉफ्ट है, मतलब हल्की फुल्की सर्दियों के लिए तो आपको स्वेटर की जरूरत नहीं है इनफैक्ट। तो ये वाला जो सूट था ये भी मुझे 1700 का पड़ा था, ये वाला। तो आप बताना, ये मेरी थी शॉपिंग कश्मीरी सूट की। और ये मैंने लिए थे यहाँ पे जो हम जहाँ हम रहते हैं वहां पे, वो कश्मीर से आते हैं ना, उनसे मैंने ये सूट लिए थे। मेरा फर्स्ट टाइम मैंने लिया है और मैं मतलब मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे मतलब 4-5 सूट लेके रख लिए, क्योंकि जब आप मतलब एक के बाद एक मुझे अच्छा लगने जा रहा था तो मैं लेती जा रही थी। तो ये थी मेरी शॉपिंग, मेरा हॉल वीडियो। और आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा सूट अच्छा लगा, पर्पल मस्टर्ड और ये वाला ब्राउन वाला, तो आपको जो अच्छा लगा ना प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आयुष ना सो रहा है, तो मैं सोचूँ उसके लिए ना फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ, और उसको फ्रेंच फ्राइज ना बहुत पसंद है, तो उसके उठने से पहले उसको सरप्राइज मिल जाएगा कि मुझे फ्रेंच फ्राइज मिल गया। घी बन गया है, घी उसको डब्बे में डालेंगे। हाँ चलो नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ नीचे। हाँ हम ठीक है, आप हमने हम बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने हमें परेशान कर रखा है, हम बिल्कुल ठीक नहीं है। आयुष की तो मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही उसका मम्मी को तो ऐसे ही परेशान करता रहेगा, पर अच्छा है जब वो एकदम शांत रहता है ना तो वो भी नहीं अच्छा लगता, और जब ये तोड़ा फोड़ी तो पिटता भी है, बच्चा ही है, एंजॉय तो हो ही जाता है इसके साथ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, और अगर आपको मेरा आज का हॉल वीडियो कश्मीरी सूट का अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और कौन सा सूट आपको ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ बताना। तो आज का बस इतना ही, और आयुष को मैंने नहला दिया क्योंकि कल हम कहीं जा रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको कल ही पता लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। इधर करो भाई, ये ना मेरा ये इससे पीछे से आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है और मेरे ना बाल खींच के चला जा रहा है, ये जटा ये खींच देगा मेरी इससे पहले। आयुष भाई का दुबा उधर उधर लेटेगा, मेरे को पीटेगा, बाय। आय हेड मारता है ये हेड ये बहुत तेज के हेड मारता है, इसका जो हेड है ना ये हमें बहुत तेज हेड मारता है। आय हेड कैसे मारते हो? तो आयुष के साथ हो गई है मस्ती, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और प्लीज अगर आपको मेरा ये हॉल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। अब मैं जा रही हूँ अपना मुंह धोने, उसके बाद सोएंगे, मिलते हैं आपसे कल नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।